हेलो दोस्तों, हमारे चैनल VS ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर यानी कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी का यहां पर वार्षिक एग्जाम फॉर्म भराया जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से ही अपना परीक्षा फॉर्म कैसे भरेंगे, कितना फीस लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। यानी कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हो, या दोस्तों पीजी के कोर्सेज में जो है प्रीवियस या फाइनल ईयर में हो, सभी के यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भराया जा रहा है। बात करें यहाँ पर रेगुलर कैंडिडेट, इसके साथ ही प्राइवेट कैंडिडेट और जो पूरक अंतिम अवसर के कैंडिडेट हैं, सभी के यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है। सो अगर आप भी बिलासपुर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, यहाँ पर बात करें ऑनलाइन फॉर्म की डेट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भी भराया जा रहा है। अगर आपने नामांकन फॉर्म नहीं भरा है तो आप नामांकन फॉर्म भी भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भी भराया जा रहा है। परीक्षा फॉर्म और नामांकन फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है, यहाँ पर जो है 30/12 यानी 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 18 जनवरी दिया गया है। आप 18 जनवरी तक बिना लेट फीस के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 18 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपको 19 से लेकर 28 जनवरी के बीच 200 रुपये के जो है एक्स्ट्रा यानी विलम्ब शुल्क के साथ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका मिलने वाला है। फॉर्म सबमिट कर लेने के बाद जो आपकी फॉर्म की हार्ड कॉपी होती है और जो रसीद होता है, उसकी आपको जो है फोटोकॉपी करा लेनी होगी। और दोस्तों, आपको सारे दस्तावेज यानी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कॉलेज में जमा कराना होगा। कॉलेज में जमा कराने का जो लास्ट डेट यहाँ पर जो है 31 जनवरी रखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर ऐसे रेगुलर कैंडिडेट जो पहले ही इनरोलमेंट फॉर्म यानी नामांकन फॉर्म भर लिए हैं, उन्हें दोबारा नामांकन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप आईडी पासवर्ड डाल के डायरेक्ट ही लॉगिन करके अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे जो रेगुलर कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक नामांकन फॉर्म नहीं भरा है, तो वह सबसे पहले नामांकन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ही उसको एग्जाम फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो सेकेंड नंबर पर बताया गया है कि ऐसे परीक्षार्थी जो पूरक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन्हें पूरक परीक्षा परिणाम उपरांत पृथक से परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी। अब दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट जो पूरक हैं, उन्होंने अभी तक जो है पूरक का एग्जाम नहीं दिया होगा या उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट को अभी यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। उन सभी कैंडिडेट के लिए अलग से एग्जाम फॉर्म भराया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च एडे पर आकर यहाँ पर आपको बिलासपुर यूनिवर्सिटी लिख के सर्च कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है, वह दिख जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर क्विक लिंक लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे आप इस पेज में नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पेज है हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर पर देखेंगे तो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर जो है वेबसाइट लिंक के नीचे आपको डेस्कटॉप का एक आइकन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप डेस्कटॉप के आइकन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का पेज है वह ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सो आपको अपने एग्जाम फॉर्म भरने हैं तो सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम फॉर्म्स का एक सेक्शन बना हुआ है। अगर आप रेगुलर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर रेगुलर पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आज हम प्राइवेट का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए बता रहे हैं, तो हमें जो है नीचे एग्जाम फॉर्म एनुअल और जो प्राइवेट एक्स और सप्ली लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हैं सभी कोर्सेज का नाम आ जाता है। बीए पार्ट वन, बीएससी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, उसी प्रकार से बीए बीकॉम सभी कोर्सेज का यहाँ पर नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो डेट भी दिया गया है, 18 जनवरी आपका एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और वहीं लेट फीस के साथ आप 28 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से यूजर नेम और पासवर्ड डालने का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अगर दोस्तों आप सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में होंगे या आप जो पीजी कोर्सेस में होंगे, तो जो पहले आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा, उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर डाल के आपको साइन इन के बटन पर क्लिक करना होगा।
अगर आप पहली बार प्राइवेट का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद ही आप यहां पर लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें बैक के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप बैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट एंड अदर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, इसे आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यानी अगर आपको पहले ही आईडी पासवर्ड मिल गई होगी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप पुराने आईडी पासवर्ड से ही अपना फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर जो भी डिटेल है आप अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट टाइप लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे आप स्टूडेंट टाइप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट और नॉन कॉलेजेस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें अपना कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे सभी कॉलेज का नाम आ जाता है। आप जिस कॉलेज में जो है अपना प्राइवेट का एग्ज़ाम फॉर्म जमा करना चाहते हैं, यानी जिस कॉलेज से आप जो है परीक्षा देना चाहते हैं, उस कॉलेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, जिस भी ईयर का कोर्स करना चाहते हैं उस ईयर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सेशन पर क्लिक करेंगे, 2023-24 पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा अपना नाम फिल करना है। सबसे पहले जो है देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने नाम के टाइटल श्री, श्रीमती या कुमारी, यहाँ से आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों स्टूडेंट नेम में आप अपने 12th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही यहाँ पर आपको पूरा डिटेल फिल करना होगा। इसके बाद नीचे आप आपके फादर्स नेम या हस्बैंड नेम को दे सकते हैं। नीचे मदर्स नेम लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर आप अपने मदर्स नेम टाइप कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आपकी जेंडर होगी यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। इस कैलेंडर से सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ की ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और डे सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है कौन से मीडियम में आप देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करें, और आपको इंग्लिश मीडियम में देना है तो यहाँ पर इंग्लिश को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट की कैटेगरी मांगी जा रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। दोस्तों आपको स्वयं का मोबाइल नंबर देना है क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, और जब भी आपको जो पासवर्ड और जो है आईडी फॉरगेट करना होगा तो उसी नंबर पर आएगा, इसीलिए आप यहाँ पर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर ही देंगे। नीचे आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है तो यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी दे देंगे। और नीचे यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर को टाइप कर देंगे। इसके बाद नीचे नेशनैलिटी लिखी हुई आ रही है तो यहाँ पर आपको इंडियन यहाँ पर टाइप करना होगा। और नीचे आएंगे तो सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप जिस स्टेट से हैं वहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी पूछी जा रही है, अगर आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, और कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपने डिटेल डाले होंगे सारे डिटेल एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेंगे, और यहाँ पर नीचे आकर यहाँ टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करके इस प्रकार से जो है टिक करना होगा, और नीचे सेंड ओटीपी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको जो है टाइप कर देना होगा, और नीचे वेरीफाई ओटीपी लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपका वेरीफाई ओटीपी जो है क्लिक हो जाएगा, नीचे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया है, वहाँ से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो है चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर आना है, और यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी डाल देंगे। नीचे आपको जो भी पासवर्ड मिली होगी उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, और नीचे साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप अपना जो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं,
अगर आपका पहले भी यूजर आईडी और पासवर्ड बना होगा तो दोस्तों आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट करने के लिए यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिकवर करने के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप अपना यूजर नेम डाल सकते हैं या आधार नंबर डाल सकते हैं, जो भी डिटेल डालना चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं। और नीचे आपको जो सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सर्च डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर का कुछ अंक देखने को मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर दिख रहा है उसका आपको यहाँ पर पूरा मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और सेंड माई अकाउंट डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर जो है आईडी पासवर्ड दोबारा भेज दिया जाएगा। वहाँ से आप अपना आईडी पासवर्ड दोबारा रिकवर कर पाएंगे। आईडी पासवर्ड दोबारा मिल जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आपकी प्रोफाइल इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले इस पेज में नीचे आना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पहले पर्सनल डिटेल डाले थे रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो सारे डिटेल आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ डिटेल है यहाँ पर अधूरा है, उन सभी डिटेल को हमें फिल करना है। फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, सो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना होगा। नीचे स्टेट लिखी हुई आ रही है तो यहाँ से आपको अपना जो है स्टेट सेलेक्ट करना है। सिटी पे आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पिन कोड लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर अपना पिन कोड का नंबर डाल देंगे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है करस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और करस्पोंडेंस यानी पत्र व्यवहार का पता दोनों सेम होगा तो यहाँ पर आपको जो चेक मार्क करेंगे और इस प्रकार से पूरा जो डिटेल है यहाँ पर फिल होके आ जाता है। इसके बाद नीचे आएंगे और देख सकते हैं अपडेट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल यहाँ से अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया है, आपको दोबारा यहाँ पर जो है स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर थर्ड नंबर पर आप देखेंगे तो प्रीवियस एजुकेशन डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है 10th और 12th के डिटेल डालेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर 10th और 12th के डिटेल डाल देंगे। अगर दोस्तों आप जो है एमए या एमएससी का कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे आपको ग्रेजुएशन के भी डिटेल डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हाई स्कूल लिखा हुआ आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बोर्ड या यूनिवर्सिटी पूछी जा रही है। तो अगर आपने जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड से जो है 10th किया है तो यहाँ पर CGBSE लिख देंगे। वहीं दोस्तों ईयर आप पासिंग में कौन सी ईयर में आप जो है 10वीं पास है उसको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद नीचे मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है तो जो भी आपके सर्टिफिकेट में मैक्सिमम मार्क्स होगा उसको डालेंगे। ऑब्टेन मार्क्स में आपको जितना नंबर मिला हुआ है वह डालेंगे और इस प्रकार से परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी प्रकार से नीचे हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कक्षा 12वीं का डिटेल यहाँ पर डालना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, ईयर ऑफ पासिंग डाल देंगे, मैक्सिमम मार्क्स डाल देंगे, कितने नंबर मिला हुआ है वह डालेंगे और परसेंटेज आ जाएगा। अगर आप पीजी कोर्सेज का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के भी डिटेल इसी प्रकार से आप भर देंगे। इसके बाद नीचे सेव डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका प्रीवियस एजुकेशन डिटेल भी यहाँ पर अपडेट हो गया है। अब दोस्तों आपको दोबारा स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अगला यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा। तो देखेंगे तो फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको अपना फोटो और सिग्नेचर उसे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करके आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद दोबारा आपको स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर अंतिम पर देखेंगे तो अपडेट ABC ID लिखी हुई आ रही है। तो दोस्तों आपको अपना ABC ID अपडेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ABC ID यहाँ पर डालने के लिए एक जो है ऑप्शंस आ गया है। तो दोस्तों ABC ID एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होता है जो हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ABC ID होनी चाहिए। सो दोस्तों आप अपना ABC ID कैसे बनाएंगे इस बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। आप आसानी से ABC ID बना सकते हैं। ABC ID बना लेने के बाद यहाँ पर आपको अपना ABC ID डाल देना होगा और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल का डिटेल है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ऐड रिमूव न्यू एग्जाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे अगर दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हुआ आ जाता है तो आपको दोबारा ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर जो है एग्ज़ाम ऐड हुआ नहीं आता है तो यहाँ पर आप अपना जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन कैटेगरी और जो है कॉलेज को सिलेक्ट करके यहाँ से आप अपना एग्ज़ाम ऐड कर सकते हैं। एग्ज़ाम ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर दोबारा आपको अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करना होगा और नीचे लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आपको एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल आ जाता है। इसके बाद एक्शन के नीचे सिलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का डिटेल आ जाता है। जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट किया हुआ है उसी के अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट का डिटेल आ जाएगा। सबसे पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट है यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्टेड हुआ आ जाता है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप बी और जो है ग्रुप सी अलग अलग जो है अलग अलग ग्रुप के आपको सब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप जिस ग्रुप में अपना जो है कोर्स करना चाहते हैं यानी जिस ग्रुप का आपको एग्ज़ाम देना है उसी ग्रुप के सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप यहाँ पर बी पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर तीनों पर क्लिक कर देंगे, या दोस्तों आप जो है केमिस्ट्री के बदले कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट में आपको एक बार इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेना होगा। अब सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे सेव लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर जो है सब्जेक्ट इस प्रकार से सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अगला स्टेप फिल करना है तो यहाँ पर दोबारा आपको जो है अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अटैच डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब अटैच डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 10th 12th और ग्रेजुएशन पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर दोस्तों आप जो छत्तीसगढ़ से होंगे तो डोमिसाइल पर आपको क्लिक करना है। वहीं अगर आप जो है ST SC OBC कैंडिडेट होंगे, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जो सबमिट करना होगा तो यहाँ पर 3rd नंबर पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास और कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आके आपको सेव डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे, आपका अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है इस प्रकार से सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। अब दोस्तों दोबारा आपको अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आएंगे तो अब आपको अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना होगा और इस प्रकार से आपका जो एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल है वह आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाई लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका पूरा यहाँ पर डिटेल आ जाता है। आप जो भी यहाँ पर डाले होंगे सारे डिटेल आपको अच्छे से चेकआउट कर लेने होंगे। चेकआउट हो जाने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है तो सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। सारे डिटेल अपडेट होने के बाद ही यहाँ पर जो है प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोबारा यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फीस की डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नीचे देखेंगे तो मैक पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे मैक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे है, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। अगर आप जो गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप UPI पर क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड नाउ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों आप प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक QR कोड है वह आ जाता है। अब इस QR कोड को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब अपने जो है फ़ोनपे या गूगल पे के जो है स्कैनर पर जाएंगे, वहां से गैलरी पर जाकर इस स्कैनर को सिलेक्ट कर लेंगे और वहां से आपको पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद जो यहां पर जो साइट है यहां पर आपको जो थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद ऑटोमेटिक यहां पर जो है सक्सेसफुल का इस प्रकार से एक अलग से पेज ओपन हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म और जो है रसीद का प्रिंट आउट कैसे लेंगे। प्रिंट आउट लेने के लिए दोबारा आपको अपना प्रोफाइल है उसे ओपन करना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो 3rd नंबर पर प्रिंट फॉर्म्स रिसिप्ट एडमिट कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन और फीस रिसिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर प्रिंट करने के ऑप्शन आ जाते हैं। सो दोस्तों आपको यहाँ पर अभी जो आपने करेंट में फॉर्म फिल किया है उसी का आपको प्रिंट आउट लेना है।
सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो एक्शन के नीचे प्रिंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से आपका फिर स्लिप्ट यानी रसीद है वह देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे आप अपने गैलरी पर सेव कर लेंगे। उसके बाद दोबारा आपको बैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोबारा प्रिंट एग्जाम एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वह देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो यह एप्लीकेशन फॉर्म है आपके मोबाइल पर PDF फॉर्मेट में सेव हो जाता है। अब अपने जो है फाइल पर जो है PDF फॉर्मेट में दोनों को सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी कंप्यूटर शॉप या फोटोकॉपी की शॉप में जाना है और इस PDF का आपको प्रिंट आउट करा लेना होगा। प्रिंट आउट करा लेने के बाद दोस्तों आपको कॉलेज जाना है और ये एप्लीकेशन फॉर्म है और जो इस रिसिप्ट मिली हुई है, साथ ही आप जो है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अगर आपका हो गया होगा तो, अगर दोस्तों आप जो है ST SC OBC कैंडिडेट हैं तो जाति प्रमाण पत्र, वहीं आप अगर छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र और आपकी आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये सारे डिटेल्स आपको कॉलेज ले जाकर जमा करना होगा और इस प्रकार से आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा और दोस्तों आप आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो आई होप दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।